हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं डीजे क्लोजिंग सर्किट जो है फिर से समझाने जा रहा हूँ। ये वीडियो बस रिवीजन के पर्पज़ से है। अगर आपने डिटेल में समझना है तो आप मेरी जो पहले वीडियोस डाली हुई है मैंने डीजे क्लोजिंग सर्किट की, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम HBA को एक पर करते हैं तो फ्यूज़ सही होने पर, कॉन्टैक्टर के खुले होने पर, 608 और 5, 6 और 7 के कॉन्टैक्टर खुले होने पर, तो NC इंटरलॉक के द्वारा, Q46 के इंटरलॉक के द्वारा और GR की 0 पर होने पर जो है Q118 एनर्जाइज हो जाएगी। इसके एनर्जाइज होने पर Q118 का इंटरलॉक यहाँ पर बैठ जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ZCPU को एक पर करके CPU को ऑन करते हैं। जब प्रेशर 4.65 kg पर बन जाएगा तो इंटरलॉक यहाँ पर बैठ जाएगा। QPDJ रिले एनर्जाइज होने पर इंटरलॉक लग जाएगा यहाँ पर, और जैसे ZCPU को हम 0 पर कर देते हैं। उसके बाद हम BL को अनलॉक करते हैं। BL को अनलॉक करने पर ये इंटरलॉक यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ZBT को 1 या 2 करने पर ये इंटरलॉक यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, BLDJ को ऑन करते हैं। अब जो 110 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आके यहाँ पर रुकी हुई थी, तो वो यहाँ से BLDJ को ऑन करने पर यहाँ से सप्लाई आगे जाएगी और यहाँ तक आके पहुँच गई है। अब जब हम BLRDJ को प्रेस करेंगे, ये Cap 1 है और ये Cap 2 है, तो BLRDJ को प्रेस करने पर ये इंटरलॉक यहाँ पर लग जाएगा और GR के 0 पर रहने पर Q45 जो है रिले एनर्जाइज हो जाएगी। इसके एनर्जाइज होने पर इसका एक इंटरलॉक है Q30 की ब्रांच पर, वो लग जाएगा। और इसके अलावा ये इंटरलॉक है C118 की ब्रांच पर, ये क्लोज हो जाएगा। और एक इंटरलॉक Q44 की ब्रांच पर, ये यहाँ पर NO इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा। तो अब जो सप्लाई आ रही थी 110 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ से आगे जाएगी। और क्योंकि Q118 रिले एनर्जाइज है तो ये NO इंटरलॉक क्लोज है, तो यहाँ से सप्लाई आगे जाने पर Q44 एनर्जाइज हो जाएगी और ये अपना इंटरलॉक इस ब्रांच से हटा देगी, Q118 की ब्रांच से हटा देगी। लेकिन सप्लाई अभी यहाँ पर आके रुकी हुई है, तो लेकिन Q118 अभी 5 सेकंड तक एनर्जाइज बनी रहेगी। अब उसके बाद क्या हुआ, एक Q44 का जो इंटरलॉक है ये यहाँ पर लगा हुआ है MTDJ की ब्रांच पर, तो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो गया। तो यहाँ से 110 वोल्ट की सप्लाई आगे जाएगी इस रास्ते से। और क्योंकि Q45 पहले से एनर्जाइज है, इंटरलॉक लगा हुआ है, तो ये NC इंटरलॉक के द्वारा QCVR के C118 एनर्जाइज हो जाएगी। तो इसके एनर्जाइज होने पर इसका जो कॉन्टैक्टर है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कॉन्टैक्टर बंद होने से ये इसका इंटरलॉक यहाँ से भी हट जाएगा। और एक ऑक्सिलरी पावर सर्किट में इसका जो इंटरलॉक लगा होता है R118 से पहले, ये क्या हो जाएगा, क्लोज। मतलब R118 सर्विस में आने के लिए अब रेडी है, मतलब R1 को स्टार्टिंग फेज मिलने के लिए तैयार है। तो कॉन्टैक्टर बंद होने पर अब इसका C118 का एक इंटरलॉक जो NO इंटरलॉक है, ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से जो सप्लाई 110 वोल्ट की, तो NC इंटरलॉक के द्वारा और C118 के NO इंटरलॉक के द्वारा MTDJ की कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। तो MTDJ की कॉइल एनर्जाइज होने पर जो DJ क्या होगा, बंद होगा और उसका एक सेल्फ इंटरलॉक है यहाँ पर लग जाएगा। LSDJ का लैंप बुझेगा और जो सप्लाई है, DJ बंद है तो OHG सप्लाई है जो पेंटो से आ रही है, तो वो मेन ट्रांसफार्मर में जाना स्टार्ट कर देगी। और मेन ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में जाएगी, और ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई है वो आगे जाना स्टार्ट कर देगी। और R1 को सिंगल फेज जो सप्लाई है वो मिलनी स्टार्ट हो गई है और सप्लाई आगे जा रही है। रिले जो UA मीटर है उसको सप्लाई आएगी, UA का कांटा चलेगा और Q30 रिले है वो एनर्जाइज हो जाएगी, क्योंकि Q45 जो है पहले से एनर्जाइज है, तो इसका इंटरलॉक यहाँ पर है, तो इस रास्ते Q30 एनर्जाइज है। अब R1 ने काम करना स्टार्ट कर दिया है और ये सिंगल फेज AC को 3 फेज AC में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही R1 जब काम कर रहा है, ठीक है, अब सिंगल फेज AC को 3 फेज AC में कन्वर्ट कर रहा है, 415 वोल्ट बनानी है, लेकिन अभी 155 वोल्ट बनी है 3 फेज। तो 155 वोल्ट बनने पर जो इसकी रिले है QCVR AC एनर्जाइज होगी, तो इस रिले के एनर्जाइज होने पर ये अपना इंटरलॉक यहाँ पर बैठा देगी। उसके बाद QCVR DC का जो कॉइल है वो एनर्जाइज होगी। तो इस रिले के एनर्जाइज होने पर, क्योंकि R1 ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो एक तो इंटरलॉक इस ब्रांच पर इसका NO इंटरलॉक है बैठ जाएगा, क्लोज हो जाएगा।
और एक इसका इंटरलॉक है इस ब्रांच से हट जाएगा, और एक QCVR का इंटरलॉक है जो कि LSCHB की ब्रांच पर है वहाँ से हट जाएगा। तो C118 का इंटरलॉक यहाँ से हटने के बाद इसका जो कॉन्टैक्ट है खुल जाएगा, और यहाँ पर खुलने से इसका इंटरलॉक NC इंटरलॉक वापस आ गया सर्विस में। तो यहाँ से सप्लाई यहाँ तक आई हुई है अभी, तो ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि NO इंटरलॉक खुल गया है तो कॉन्टैक्टर ओपन होने से, C118 का कॉन्टैक्टर ओपन से जो स्टार्टिंग फेस है वो आरनो को कट गया है, लेकिन आरनो आपका सर्विस में इस रास्ते से अभी बना हुआ है, ठीक है। तो वो कन्वर्ट कर रहा है अभी, मतलब 3 फेज AC में अभी वो कन्वर्ट कर रहा है। तो LSCHB का लैंप बुझने पर हम BLRDJ को छोड़ देते हैं। अब BLRDJ को हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब जब आरनो ने 415 वोल्ट सप्लाई जब बना देगा, तो 415 वोल्ट सप्लाई बनने पर क्या होगा, जो बिना कॉन्टैक्टर वाली ऑक्सिलरी है उनको सप्लाई मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब HPH जो पंप है, और जो MVSI 1, MVSI 2, MVSL 1, MVSL 2 है, तो बिना कॉन्टैक्टर वाली जो ऑक्सिलरी है उनको 415 वोल्ट की सप्लाई मिलनी स्टार्ट हो गई है। और BLRDJ छोड़ने के 6 सेकंड के अंदर ही जब वो ब्लो वाला फुल स्पीड से काम करना स्टार्ट हो जाएंगे, तब इनकी जो रिले है वो एनर्जाइज हो जाएगी। तो इनके काम करने पर, इस रिले के एनर्जाइज होने पर, ये इंटरलॉक यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। और एक ये भी है QSI 1 का, QVSI 2 का भी इंटरलॉक यहाँ पर क्लोज हो गया। तो अब इस रास्ते से Q118 एनर्जाइज बनी हुई है, और जो है Q44 जो है वो Q30 और GR0 के इंटरलॉक के द्वारा, और QVSI 1 और 2 के इंटरलॉक के द्वारा ये एनर्जाइज बनी हुई है। क्यों, अब बिना कॉन्टेक्टर वाली ऑक्सिलरी ने तो काम करना स्टार्ट कर दिया, ऑक्सिलरी फुल स्पीड से घूम रही है। अब हम BLCP को ऑन करते हैं। BLCP को ऑन करने पर जो है तीनों कंप्रेसर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसके बाद हम BLVMT को ऑन करते हैं, ब्लोअर्स के जो कॉन्टैक्टर हैं। अब ब्लोअर बंद करें हम, BLVMT को बंद करने पर क्या होगा, सबसे पहले C107 का कॉन्टैक्टर है वो बंद होता है, तो उसके कॉन्टैक्टर को बंद होने पर ये इंटरलॉक तो यहाँ से हट जाएगा, और जब जो VRH है जब वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे यहाँ पर इसका इंटरलॉक यहाँ पर लग जाएगा। उसके 5 सेकंड बाद C106 का कॉन्टैक्टर बंद होता है, C105 का कॉन्टैक्टर बंद होता है, तो ये हट जाएगा, लेकिन उसके काम करने पर ये इंटरलॉक यहाँ पर लग जाएगा। तो इस रास्ते से सप्लाई आगे जा रही है, ठीक है। और उसके 5 सेकंड बाद C106 का कॉन्टैक्टर बंद होता है, और BMT2 है ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर नंबर 2, वो काम करना स्टार्ट कर देता है, तो इसका इंटरलॉक यहाँ पर लग जाएगा। तो इस रास्ते से Q44 है वो एनर्जाइज बनी हुई है, और कॉन्टैक्टर बंद होने पर ये C105, 6 और 7 के कॉन्टैक्ट जो इंटरलॉक है वो भी यहाँ पर लग जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो Q118 है, एक तो इस रास्ते से एनर्जाइज बनी हुई है, और एक इस रास्ते से एनर्जाइज बनी हुई है। इसके अलावा Q44 है वो इस रास्ते से एनर्जाइज बनी है, और एक इस रास्ते से। इसके अलावा MTDJ की कॉइल है वो इस रास्ते से एनर्जाइज बनी हुई है। तो ये टोटल 3 ब्रांचेस है जो कि जब लो को आपका एनर्जाइज हुआ पड़ा है तो ये एनर्जाइज बनी रहती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई सजेशन हो, या तो कोई आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि DJ क्लोजिंग सर्किट या कोई भी सर्किट है आपकी जोन के अकॉर्डिंग बनाना है, तो आप मुझे को ईमेल कर सकते हैं सर्किट को, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।